नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया खबर लाइव, आपके साथ मैं नुवरेश शर्मा। खबर आ रही है गंजवासोदा शहर से, जहां चारों ओर लगातार अतिक्रमण बढ़ता ही जा रहा है। शहर के दबंग लोगों के द्वारा मनचाहे सरकारी जगह पर अपने अपने तरीके से अतिक्रमण किया जा रहा है, चाहे बात शहर के मुख्य मार्गों के आसपास की हो या फिर अन्य स्थानों पर पड़ी सरकारी जगह की। गलियों में भी दबंगों के द्वारा लगातार कब्जा कर अपना हक जताया जा रहा है। शहर में फैले अतिक्रमण की वजह से सड़कों पर आए दिन जाम लग रहा है और लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन नगर पालिका और स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी दबंगों के प्रभाव के आगे और अतिक्रमण के सामने नतमस्तक होते दिखाई दे रहे हैं। जबकि जनप्रतिनिधि अतिक्रमण के हटाने के पक्ष में है, लेकिन प्रभावशाली लोगों के आगे ना तो जनप्रतिनिधियों की चल रही है और ना ही अधिकारियों की। कोई भी ठोस कदम अधिकारी वहां नहीं उठा पा रहे हैं, इसलिए लगातार शहर में अतिक्रमण बढ़ता जा रहा है। जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों और वरिष्ठ अधिकारियों और व्यापारियों को एक राय होकर शहर में फैले अतिक्रमण को हटाने पर विचार करना चाहिए। इंडिया खबर लाइव के लिए विदिशा ब्यूरो की एक रिपोर्ट। अगर हम सभी अधिकारियों की बैठक बुला रहे हैं, जिसमें CMO भी रहेंगे, PWD के लोग भी रहेंगे और पुलिस भी रहेगी, और उसके बाद एक कार्य योजना बनाएंगे और उस कार्य योजना के तहत अनाउंस किया जाएगा, सभी लोगों से एक बार अनुरोध किया जाएगा कि जिनके भी अतिक्रमण हैं रोड पर खासतौर से वो हटाएँ, और उसके बाद अगर वो नहीं करते तो सख्त कार्रवाई करके नियमानुसार उसमें अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाएगी। हम पुनः एक बार व्यापारियों को समझाएंगे और प्रशासन से भी इस संदर्भ में बात हुई है और प्रशासन ने भी हमसे, हम व्यापार महासंघ से बात की इस संदर्भ में, तो हमने ये कहा कि अपन एक बार पुनः लाइन डाल देते हैं और प्रशासन के सहयोग, जो भी प्रशासन का वो सहयोग करेगा व्यापार महासंघ, और व्यापारियों से भी हम अपील करते हैं कि दायरे में रहें, वे अपनी सीमा के साथ दायरे में रहें, जिससे किसी प्रकार की कानून व्यवस्था भी दिक्कत ना हो और कोई दिक्कत भी ना हो और आम आदमी को भी दिक्कत ना हो, क्योंकि शहर अपना है, शहर अपना व्यवस्थित बना रहेगा तो अच्छी बात है। इसके बाद हम अनाउंस के माध्यम से एक बार और करवा चुके और पुनः एक बार और कर रहे हैं हम अनाउंस के माध्यम से, कि जिससे व्यापारियों को सजग हो जाएं, व्यापारी इस बात को समझें, नगर अपना अच्छा लगेगा, सुंदर लगेगा, यही मैं अपेक्षा करती हूँ। तो कब तक हटेगा अतिक्रमण, आप क्या लगता है? मेरा मानना है कि अतिक्रमण हटाना अपने हाथ में है। जिस दिन हमारे नगर के छोटे बड़े सब व्यापारी चाहेंगे, कुछ समय भी नहीं लगेगा, कुछ दिन भी नहीं लगेंगे, और नगर से अतिक्रमण बहुत अच्छे से और बहुत व्यवस्थित तरीके से हट जाएगा और नगर बहुत ही सुंदर दिखेगा। क्योंकि जब रात्रि में हम आते हैं बाहर कहीं से, तो हर व्यक्ति ये देखता है कि हमारे नगर गंजवासोदा की सड़कें बहुत चौड़ी चौड़ी हैं, बहुत स्थान है, लेकिन जब सुबह बाजार लग जाता है तो सड़कें गायब हो जाती हैं। मुझे नहीं लगता, और अगर ऐसा कुछ भी है तो मेरी तरफ से कभी भी प्रशासन को कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अतिक्रमण में आप सहमत हैं कि हटना चाहिए? बिल्कुल हटना चाहिए। अगर शहर की सुंदरता में चार चांद लगते हैं तो मैं उसके साथ हूँ।